महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया उनका पहला मैच टॉस के समय ही विवादों में आ गया। टॉस के समय ही वेस्टइंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर ने सबक भ्रमित कर दिया। टॉस जीतने के बाद टेलर ने मैच रेफरी डेविड जुकेस को बताया कि उनकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, लेकिन टेलीविजन होस्ट इयान बिशप ने पूछा तो टेलर ने कहा कि उनकी टीम पहले गेंदबाजी करेगी। इस बात से ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लिनन नाखुश दिखी और दोनों कप्तानों के बीच इस बात पर बहस होने लगी कि कौन सी बात मानी जाए। अंत में मैच रेफरी ने फैसला सुनाया और कहा कि वेस्टइंडीज की कप्तान ने पहले बल्लेबाजी के लिए बोला था, इसलिए यही फैसला अंतिम होगा। महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीमें एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। दोनों टीमें 2013 विश्व कप के फाइनल में भी टकरा चुकी हैं। टॉस के समय यह नियम है कि टॉस जीतने के बाद एक बार कप्तान ने अपना निर्णय बता दिया वो उसे बदला नहीं जा सकता है। टॉस के समय हुए विवाद के कारण मैच शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म हो गया। पिच को देखकर दोनों टीमें पहले गेंदबाजी करना चाहती थी, लेकिन टेलर भ्रमित हो गई और पहले बल्लेबाजी का फैसला ले लिया। टेलर ने बाद में बदलाव करने की कोशिश की, तब तक काफी देर हो चुकी थी और इस वजह से दोनों कप्तानों के बीच तेज बहस भी होने लगी, जिसके बाद मैच रेफरी ने बीच में आकर अपना फैसला सुनाया। वेस्टइंडीज की टीम को कप्तान के फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ा और टीम 8 विकेटों से मैच हार गई। टॉस के अलावा भी एक विवाद हुआ जब मीडी या को ऑस्ट्रेलिया टीम की गलत एकादश सौंप दी गई, जिसमें लिखा था कि एशले गर्डनर नहीं बल्कि राचेल हिंज इस मैच में खेल रही हैं। वेस्टइंडीज की कप्तान को इससे सीख लेनी पड़ेगी और आगे से अपना फैसला सोच समझ कर बताना पड़ेगा, अन्यथा टीम को इसी तरह हार का सामना करना पड़ सकता है।